नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे थानों में गाड़ियों की होने वाले ऑक्शन के बारे में। जब भी आप कभी थाने से गुजरते होंगे तो आपको यह लगता होगा कि सरकार इन कवाड़ में खड़ी गाड़ियों का क्या करेगी। बता दें कि यह गाड़ियां पुलिस द्वारा जब्त की गई होती है। अगर आपके दिमाग में भी गाड़ी खरीदने का विचार आ रहा है तो आप भी इन गाड़ियों को खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदने से पहले उस गाड़ियों की स्थिति को जरूर देख लें। थाने में खड़ी गाड़ियों को लेकर पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी थानों को कहा है कि एक सूची तैयार करें जिसमें कि दो पहिया और चार पहिया वाहन शामिल होंगे। इस सूची के आधार पर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बताया जा रहा है कि पहले चरण में जो नीलामी होगी उसमें साल 2020 के वाहनों की नीलामी होगी। उसके बाद अगर संबंधित वाहन का केस चल रहा है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन बाकी बचे वाहनों की नीलामी जारी रखी जाएगी। इस हिसाब से अब कहा जा रहा है कि आप भी बड़ी और लग्जरी गाड़ियों के मालिक बन सकते हैं। पटना प्रमंडलीय आयुक्त की तरफ से जारी आदेश में पटना के 67 थानों में जब्त सभी वाहनों की लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि सबसे पहले साल 2020 में जिन गाड़ियों को पकड़ा गया है उसकी नीलामी की जाएगी। उसके बाद केस समाप्त होने के बाद बाकी गाड़ियों की नीलामी की जाएगी। इस नीलामी प्रक्रिया में शामिल होकर आप भी अपने पसंद का चार चक्का या फिर दो चक्के की वाहन खरीद सकते हैं। गाड़ियां महंगी होने के कारण कई लोग चार चक्का गाड़ी नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन उनके पास अपनी इच्छा को पूरा करने का यह मौका जरूर मिल रहा है। थाने से जब गाड़ियों की लिस्ट तैयार हो जाएगी उसके बाद इसे जिला प्रशासन के पास भेजा जाता है। अब यहाँ से निकाले की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नीलामी वाली गाड़ियों की खरीद के लिए आपके पास कुछ ज़रूरी कागजात भी होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, अपना फ़ोटो, आचरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। इन कागजातों के साथ आप नीलामी की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। नीलामी की प्रक्रिया में शुरू होने से पहले आप थाने में जाकर गाड़ी को जरूर देख लें कि उस गाड़ी की वर्तमान स्थिति क्या है। आप अपने साथ मैकेनिक को भी ले जा सकते हैं ताकि वह गाड़ी के इंजन की स्थिति को बता सके। इसके बाद आप नीलामी की प्रक्रिया में शामिल हों। इसके लिए आपको एक ऑक्शन की तारीख रखी जाएगी जिसमें कि जाकर आप अपनी गाड़ी पर बोली लगाएंगे। अगर उस गाड़ी पर किसी और ने बोली अगर नहीं लगाई है तो यह गाड़ी आपकी हुई, लेकिन किसी और को यह गाड़ी पसंद आ गई तो फिर आपको और गाड़ी की स्थिति और आपकी जेब की रकम दोनों को देखकर गाड़ी खरीदेंगे। गाड़ियों के ऑक्शन यानी कि नीलामी के लिए समय समय पर जिला प्रशासन की तरफ से समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला जाता है जिसमें कि सारी जानकारी दी जाती है कि गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी कितने साल पुराना है और गाड़ी जो है किस तरह से किस कंडीशन में यहाँ पर पहुँचा था। थाने में खड़ी गाड़ियों को लेकर मैकेनिक का कहना है कि थाने में गाड़ियां 4 से 5 साल तक एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, जिसके कारण उसका बैटरी और टायर तो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, लेकिन इंजन की स्थिति उसे स्टार्ट करने के बाद ही पता चलेगा। कोई भी चार चक्का गाड़ी 25 से 30 हज़ार लगाने के बाद सड़क पर चलने की स्थिति में आ जाती है। मैकेनिक का कहना है कि इन गाड़ियों को खरीदने में घाटे का सौदा नहीं है, बशर्ते आपकी आँख तेज होनी चाहिए और कानूनी प्रक्रिया के चलते महंगी गाड़ियां कवाड़ में चली जाती है। पटना हाई कोर्ट के वकील आनंदी सिंह का कहना है कि जिला प्रशासन का यह फैसला तारीफ योग्य है, क्योंकि थाने की ज़मीन भी खाली हो जाएगी और सरकार के पास राजस्व भी पहुंच जाएगा और लोगों को उनके पसंद की गाड़ी भी मिल जाएगी। ऐसे में अगर आप भी गाड़ी खरीदने का विचार बना रहे हैं तो एक बार आप भी जिला प्रशासन के द्वारा होने वाले ऑक्शन में शामिल हो सकते हैं और अपनी पसंद की लग्जरी गाड़ी खरीद सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।